लेट एक्स वाई जेड भी थ्री पॉजिटिव रियल नंबर्स, एक्स वाई जेड थ्री पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, पहली कंडीशन क्या है कि पॉजिटिव हैं और रियल नंबर्स हैं, ठीक है, इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगली कंडीशन क्या है, जीपी बनेगा, अगर जीपी बनेगा तो हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए अगर लेंगे तो वाई हो जाएगा ए आर और जेड हो जाएगा ए आर स्क्वायर। जीपी मतलब गुणोत्तर प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, ठीक, तो एक्स बराबर ए, वाई बराबर ए आर और जेड बराबर ए आर स्क्वायर, ठीक है ना, सच दैट एक्स इज लेस देन वाई एंड वाई इज लेस देन जेड। अगली कंडीशन क्या है, एक्स इज लेस देन वाई, वाई इज लेस देन जेड, मतलब एक्स सबसे छोटा और जेड सबसे बड़ा है, ठीक है। अब आगे कहते हैं ये कि इफ 5x 16y एंड 12z आर इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 5x 16y एंड 12z आर इन एपी, समांतर श्रेणी बन रही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी ये होता है अगर ए बी सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी लिख सकते हो आप, या लिख सकते हो b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, तो ये यूज करेंगे हम, हमें गिवन है 5x 16y और 12z अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इसका मतलब 2 इंटू 16y इज इक्वल टू 5x प्लस 12z, ठीक है। आप वैल्यूज पुट कर सकते हो जो हमने ली हैं, आपको पता है एक्स वाई जेड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो आप ले लो वैल्यू 32, और y की वैल्यू क्या है, ar हमने यहाँ पे ली है तो 5a हो जाएगा प्लस 12z, z इज इक्वल टू ar स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो आइए कैंसिल कर देते हैं ए ए ए, ठीक, तो बचा क्या 32r इज इक्वल टू 5 प्लस 12r स्क्वायर, एक साइड लाइए 12r स्क्वायर माइनस 32r प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो आपको पता है 12 इंटू 5 60 होगा, तो ये माइनस 30 माइनस 2 हम ले लेंगे ब्रेक करके, माइनस 30R माइनस 2R प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए 6 कॉमन हो जाएगा, 6R कॉमन ले लेंगे, 2R माइनस 5 माइनस 1, 2R माइनस 5, राइट। R की आपको दो वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, एक तो 1/6 मिल रही है, एक मिल रही है 5/2, एक 1/6, एक 2.5, 2.5 है ना। अब नंबर्स क्या थे हमें देख लीजिए, फाइंड क्या करना है, कॉमन रेशियो फाइंड करना था हमें, हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आर की वैल्यू दो मिल रही है, और देखेंगे आप तो ऑप्शन में 1/6 भी गिवन है और 5/2 भी गिवन है, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ से देखें जरा, एक कंडीशन जो थी एक्स इज लेस देन वाई एंड वाई इज लेस देन जेड, आप कह रहे हैं कि जो ए सबसे छोटा है, ए आर उससे बड़ा है और ए आर स्क्वायर सबसे बड़ा है, ये तभी पॉसिबल होगा जब आर इज इक्वल टू आप 5/2 लेंगे। अगर आप 1/6 लेंगे तो ये वाई छोटा हो जाएगा एक्स से और जेड उससे भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था कैट 2018 का, थैंक यू।